हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यो स्मार्ट न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, आज की स्पीडो में हम बात करें एक बड़ी खबर के बारे में। मुंबई में जितने भी लोगों ने वैक्सीन लगवा रखी है, चाहे एक डोज चाहे दोनों डोज, यानी कि चाहे आपका कंप्लीट वैक्सीन का कंप्लीट कोर्स हो चुका हो या फिर आपने सिंगल डोज भी लगवाया हो, तो इन तमाम लोगों को लोकल में अनुमति मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा बयान आ रहा है मंत्री जी के द्वारा, तो आज जानेंगे इस वीडियो के अंदर। जी हाँ दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बयान दिखाते हैं जो ट्विटर हैंडल पे आज ट्रेंड कर रहा है, मिलिंद देवरा जी का। जी हाँ, 10% ऑफ मुंबईकर्स आर फुल्ली वैक्सीनेटेड, यानी जो दोनों डोज लगवा चुके हैं, ऐसे 10% मुंबईकर्स हैं अभी तक, और 33% हैड वन जैब, यानी कि 33% लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिंगल डोज लगवाया है। अगर दोनों आंकड़ा मिला दिया जाए तो ये आंकड़े टोटल हो जाते हैं 43%, और अगर इसे जनसंख्या में कन्वर्ट कर लिया जाए काउंटिंग में, तो ये लगभग 40 लाख के करीब पहुंच जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, क्योंकि अगर मुंबई की जनसंख्या की बात करें तो 1 करोड़ के आसपास में ये जनसंख्या पहुंच जाती है, और लोकल में सामान्य तौर पर 60 से 65 लाख लोग सफ़र करते हैं प्रतिदिन, यानी कोरोना से पहले की बात हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे औसतन अगर देखा जाए, अगर 43% लोग वैक्सीनेट हैं तो इन्हें अनुमति दे दी जानी चाहिए, ऐसा बयान मिलिंद देवरा जी ने अपने बयान में कहा है ट्विटर हैंडल पर। उन्होंने साफ साफ कहा कि आम जनता को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, लोगों के रोज़गार जा रहे हैं, लोगों के पास पैसे नहीं हैं, लोग अपना घर नहीं चला पा रहे, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके पास नौकरी पर जाने के लिए लोकल का साधन नहीं है। जी हाँ, लोकल सबसे बड़ा जो है साधन माना जाता है मुंबई में, और इसीलिए इसे लाइफ लाइन कहा जाता है मुंबई की, और जब तक लोकल बंद है तो सब तक लोकल के सिवा कोई काम नहीं हो पा रहा है, जिसलिए जल्द से जल्द इसे शुरू करने की बात मिलिंद देवरा जी ने कही है, और अंदेजा लगाया जा रहा है कि सप्ताह के अंत तक लोकल आम जनता के लिए